हाँ बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं बता दूं सभी दर्शकों को, मुंबई गुजरात के लोगों ने ढेर सारा प्यार दिया। आज दूसरा दिन है, यानी 7 फरवरी को कल रिलीज हुई थी, आज 8 फरवरी है। बहुत ही अच्छा, मैं कई सिनेमा घरों में गया हूँ, लोगों को बहुत पसंद आ रही है ये फिल्म, और लोग अपनी फैमिली के साथ भी आ रहे हैं और आना चाह रहे हैं, और सिनेमा देख के उनको बहुत ही मज़ा आ रहा है, क्योंकि काफ़ी अरसे बाद ऐसी फैमिलियर फिल्म और एक अच्छी फिल्म लोगों को देखने को मिली है। जी, फिल्म की कहानी बहुत ही अच्छी है। फिल्म की कहानी जैसे कि लव मैरिज है, तो लोग कैसे मैरिज करते हैं, उस मैरिज के बीच में क्या दुविधाएँ आती हैं, क्या सारी चीज़ें आती हैं, उसको आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगा। लोगों से यही गुजारिश है कि अपने नज़दीकी सिनेमा घर में जाएं, फिल्म देखें, लोगों को बहुत पसंद आएगी। इसमें बहुत खूबसूरत ढंग से अक्षरा सिंह जी ने काम किया है, मैं अमरीश सिंह बेखुदी लोगों के गार्जियनशिप में बहुत अच्छा काम कर पाया हूँ, अवधेश मिश्रा जी, अयाज खान जी, विनोद मिश्रा जी, मटरू जी, के गोस्वामी जी, सोनिया जी, श्रद्धा नवल, अनिता रावत और बहुत सारे और भी मैं नाम भूल रहा हूँ, लोटा जी, जो कि सबका इतना कॉपरेशन था इस फिल्म में और इतना मज़ा आया फिल्म की शूटिंग करते समय, लगा ही नहीं कि हम शूटिंग कर रहे हैं, ऐसा लगा कि बिल्कुल हम एक अच्छा कार्य कर रहे हैं, और बिल्कुल उस अच्छे कार्य से एक अच्छी फिल्म निकल के आई है और लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। तो मैं लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि इस फिल्म को देखें और लोगों तक बताएँ और लोग इस फिल्म को देखने जाएँ सिनेमाघरों में। किरदार यही है कि एक आज की जो जनरेशन है, सभी चाहते हैं कि मैं अपने हिसाब से अपनी लाइफ को सेटल करूं, अपने हिसाब से मैं अपनी अर्धांगिनी को यानी अपनी प्रेमिका को अपनी अर्धांगिनी बनाऊं, अपने हिसाब से मैं लाइफ में आगे बढ़ूं, तो सब कुछ ठीक है, लेकिन उसके पीछे एक संदेश है कि हमारे बुजुर्ग जो होते हैं उनका आशीर्वाद भी बहुत ज़रूरी है। कभी कभी उनका डिसीजन जो होता है वो अच्छा होता है, हमारा डिसीजन बहुत अच्छा नहीं होता है, तो हमें अपने कुल खानदान, अपने बुजुर्गों का, अपने सीनियर का भी कहना मानना चाहिए। इसमें यही दिखाया गया मेरे किरदार के स्वरूप की मैं कहना नहीं मानता हूँ, बाद में जब मैं वही काम करता हूँ जो मेरे गार्जियन अपने ढंग से कर रहे होते हैं, और मैं अपने ढंग से करके जब पहुँचता हूँ कि मैं इसी लड़की से प्यार करता हूँ, और जब पता चलता है मेरी शादी इसी लड़की से हो रही थी और वो लड़की भी छोड़ के घर भाग गई, मैं भी घर छोड़ के भाग गया, और एक शहर में जाके हम लोग स्ट्रगल करके फिर एक प्यार के स्वरूप हम लोग एक दूसरे को बेइंतहा प्यार करने लगते हैं, जब आते हैं घर में बताते हैं लोगों को, तो लोग फिर हमसे खफा हो जाते हैं, अब वो हमारे दुश्मन हो जाते हैं। जब कभी हमारे गार्जियन और दोस्त हुआ करते थे तब हम उनके दुश्मन थे, और जब हम एक प्यार के स्वरूप जुटते हैं और जब हम कहते हैं कि नहीं हम लोग अब शादी करेंगे, तो हमारे गार्जियन हमसे दुश्मन हो जाते हैं। तो कहा जाता है कि जो हालात होते हैं हालात के साथ ढलना चाहिए और हालात के साथ चलना चाहिए और हालात के साथ पढ़ाई लिखाई करना चाहिए, तो बिल्कुल हालात को मद्देनजर रखते हुए अपने बुजुर्गों, अपने सीनियर, अपने गार्जियन की बातें माननी चाहिए। तो निर्माता राम कमल गुप्ता, राम कमल गुप्ता जी जो हैं कि हिंदी सिनेमा से और बहुत ही फिल्मी प्रिय इंसान हैं, और उनके बेटे मोहन गुप्ता जी जो कि बहुत ही कहा जाए उनका कॉपरेशन रहा इस फिल्म में, क्योंकि ये फिल्म का दामोदर जो था कि पूरा डायरेक्टर टीम और पूरी टीम के ऊपर छोड़ी गई थी, लेकिन उन्होंने हमेशा वाच रखा पोस्ट से लेके प्री प्रोडक्शन तक, और बहुत बेइंतहा कास्टिंग हुई है, बहुत बेइंतहा गाने खूबसूरत ढंग से बने हैं, एक्शन की ग्राफी बहुत अच्छी हुई है, कपड़े की डिजाइनिंग के लिए काफ़ी वर्कआउट किया गया है। तो मैं इन प्रोड्यूसर को एक बार वापस धन्यवाद कहता हूँ कि देखिए ये लोग बड़े शिद्दत और मेहनत से फिल्में बनाते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं, तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आप भी थोड़ा सा प्यार दें इस फिल्म को, थोड़ा सा इतना प्यार दें कि उनकी लाइफ में लव मैरिज की एक यादगार पल बसी रहे, और मैंने जो लव मैरिज फिल्म किया है उस यादों को लोगों तक पहुंचाई जाए। विष्णु शंकर बेलू बहुत ही स्थिर और बहुत ही सुलझे हुए इंसान हैं, और बहुत ही सूझबूझ के साथ वो काम करते हैं, और एक एक शॉट, एक एक सीन को बहुत डिस्कशन करके मतलब शूट करते हैं, तो मुझे बहुत मज़ा आता है क्योंकि मुझे कुछ नया करने को मिलता है इनके साथ। मैं विष्णु जी के साथ मैं तीसरी चौथी फिल्म कर रहा हूँ, अभी अमरपाली जी के साथ राजमहल कर रहा हूँ, उसके भी डायरेक्टर विष्णु शंकर बेलू हैं। इसके पहले रवि किशन जी के साथ मैंने एक फिल्म की थी हर हर महादेव, तो उसमें भी विष्णु शंकर
सर तो मैं उनके बारे में जितना कहूँ उतना कम है, तो ये मेरे बड़े प्रिय और सबसे घनिष्ठ और सबसे नज़दीकी डायरेक्टर हैं। मैं इनके साथ चाहूँगा और भी फिल्में करते रहूँ। हाँ, मैं बता दूं कि आज मैं नौरंग सिनेमा में आया हूँ, इसके पहले विशाल सिनेमा कुर्ला, इसके पहले पायल, तो मैं कई जगह आज सुबह से भ्रमण में हूँ। अभी मेरे साथ इस समय मेरे इस फिल्म के बहुत सारे पात्र जो कि सीनियर एक्टर आए हुए हैं, अवधेश मिश्रा जी, के गोस्वामी जी और अक्षरा जी पहुँच रही हैं, और इसके अलावा अनीता रावत जी आई हुई हैं। इसके अलावा इस फिल्म में आशीर्वाद स्वरूप देने के लिए संजय पांडे जी भी आए हुए हैं, और भी बहुत सारे कलाकार, दीपक मोहानी जी हैं, सुबोध सेठ जी भी हैं, तो बहुत सारे एक्टर हमारे साथ आए हुए हैं, लोगों दर्शकों के साथ फिल्म देखने के लिए, लोगों को साथ सूझबूझ करने के लिए, तो मैं बहुत खुश हूँ। इसके अलावा मैं और बातें बता दूँ कि पूरी इंडस्ट्री इस फिल्म को, यानी इस बच्चे को, अमरीश सिंह को, इतना प्यार और इतना आशीर्वाद दिया कि पिछले 3-4 दिन से सभी लोग पोस्ट और वीडियो डाल रहे हैं, और सब लोग चाह रहे हैं कि ये फिल्म एक माइलस्टोन और सुपर डुपर हिट फिल्म हो और लोगों तक पहुंचे, कि ऐसी फिल्म बननी चाहिए और ऐसी फिल्म लोगों तक पहुंचनी चाहिए। थैंक यू। आपने फिल्म कैसे अमरीश जी को साइन किया, अक्षरा जी को साइन किया, कैसे कोऑर्डिनेशन क्या बना होगा? ऐसा जब पिक्चर बनाने का विचार आया तो एक पारिवारिक फिल्म बनाना था, और अमरीश जी से हमारा कांटेक्ट था, अमरीश जी से बात किया, और अक्षरा जी तो ऑब्वियसली एक बहुत बड़ी स्टार है ही है, तो हमने सोचा है बेस्ट कैरेक्टर आर्टिस्ट लोगों को लिख के बनाते, पिक्चर अच्छा होगा, लोगों को भी पसंद आएगा, वही सबसे हमने बनाया। इनके साथ काम करने का अनुभव कैसा रहा? काम करने का अनुभव तो बहुत अच्छा रहा। इनफैक्ट हमें कभी भी तकलीफ, हम लोग करीब 20 दिन साथ में थे सेट पे, कभी भी हमको तकलीफ नहीं आया कि कभी कोई स्टार का कुछ प्रॉब्लम है या कुछ है। रात को 2-2 बजे, 3-3 बजे हम लोग शूटिंग कर रहे, सब लोग एकदम प्रोफेशनल वे से काम किए, और काम पिक्चर में आप खुद ही देखें तो आपको समझ में आएगा कि पिक्चर कितना अच्छा बना है। दर्शकों का सबसे पहला तो लाख लाख शुक्रिया कि हमने जो पिक्चर बनाया उनको पसंद आया, और ये पसंद को ध्यान रखते हुए कि हम और अच्छा पिक्चर बनाएंगे, और हमने 2-3 सब्जेक्ट्स को फाइनलाइज किया है, वो सब्जेक्ट्स को लेके हम आगे पिक्चर बनाना चाहते हैं और लोगों को बेस्ट से बेस्ट भोजपुरी सिनेमा में दिखाना चाहते हैं। भोजपुरी दर्शक को पहले सबसे पहले मेरा प्रणाम, मैं मनोज मोहानी। हाँ बोलिए। फिल्म के अपने किरदार के बारे में बताइए। फिल्म के किरदार में हम अयाज जी के लेफ्ट में हैं जी, अयाज जी एक उसमें अच्छे करेक्टर में हैं, और उनका मैं लेफ्ट हैंड हूँ, और मेरे राइट अयाज जी के राइट हैंड में भोजपुरिया का जो अरुण सिंह जी के नाम से जाने जाते हैं वो हैं। हाँ, और बताइए कैसे आज मुंबई में रिलीज हुई है, दर्शकों का प्यार कैसा? दर्शकों का प्यार जहाँ तक मैं अभी आया हूँ तो बहुत अच्छा रिस्पांस मुझे दिखने को मिला है, और मैं भी अपने साथियों के साथ आया हूँ, बहुत ही तारीफ सुन रहा हूँ, और वाकई पिक्चर बहुत अच्छा है। अमरीश सर के साथ काम करें कैसा? अमरीश सिंह जी के साथ मैं पहली बार काम किया हूँ, और बहुत ही अच्छा व्यवहारिक है वो, बहुत व्यवहारिक भाई है मेरे, बहुत अच्छे लगे मुझे उनके साथ काम करके, मैं बहुत खुश हूँ, और उम्मीद रहा कि आगे भी करेंगे, अगर भाई का रहा आशीर्वाद तो आगे भी करेंगे। सर फिल्म आज रिलीज हुई मुंबई में, अपने किरदार के बारे में? हमारा किरदार तो अच्छा ही होगा तभी हम फिल्म किए हैं, एक पॉजिटिव रोल है, और जिधर मेरा आजकल ज़्यादा झुकाव हो गया है कि चरित्र अभिनेता का काम करूं, तो वही कर रहा हूं। ये फिल्म भी उसी की एक कड़ी है, एक अच्छा किरदार है, अभिनय करने का कुछ इसमें गुंजाइश है, इसलिए मैंने किया है। अक्षरा सिंह का पिता का नहीं किया है उस फिल्म में, उस कैरेक्टर के पिता का किया है, तो आप किसी हमेशा पत्रकारिता मत जोड़िए किसी हीरो का पिता या किसी हीरोइन का पिता, वो इस फिल्म में हमारी बेटी बनी है। अक्षरा जी बड़ी अच्छी अभिनेत्री हैं, हम रियल लाइफ में हमें वो बहुत प्यार सम्मान देती है, मैं भी उनको बहुत प्यार करता हूँ, तो उस किरदार का, उस बेटी का पिता बना हूँ, और किसी पर्टिकुलर आदमी अक्षरा का पिता नहीं है, उसको एक बेटी का पिता कहिए जो बड़ा इमोशनल है, बेटी से बहुत प्यार करता है, बेटी को बड़ा सम्मान देता है, और बेटी का मान बढ़ाना चाहता है और बढ़ाता भी है।
फिल्म में हीरो अमरीश जी हैं और काफ़ी क्राउड देख रहा हूँ आर्टिस्टों का है, कैसा रहा काम अमरीश जी का? एक्टर अच्छे हैं तभी काम कर भी रहे हैं और बहुत काम कर रहे हैं, अभी लगातार उनकी कई फिल्में आ रही हैं। और अच्छा बुरा ये फैसला तो दर्शक करेंगे, हम साथ में काम करते हैं, हमें अच्छा लगना चाहिए, हमें अच्छा लगता है तभी हम साथ में काम करते हैं। हम शूटिंग पे काफ़ी आर्टिस्ट को मैं जैसा कवर करने गया था, कुछ ऐसी बातें जो अभी आपको याद हो जाए बताएगा? नहीं, वहाँ वो शूटिंग पे याद करने वाली बहुत सारी चीज़ें हैं। हम जहाँ रहते थे वो मचान था, उसके बगल में तालाब था, जंगल था, तालाब से मछलियाँ पकड़ी जाती थी और उससे बनवाया जाता था। अमरीशी ये काम करते थे, अक्षरा बनाती थी और हमेशा हर शूटिंग की रात में पार्टी चलती थी, कभी मछली का, कभी चिकन का, या कभी इस तरह के अलग अलग व्यंजनों की पार्टियाँ चलती थी। तो हर शाम यादगार रही है वहाँ पे, बड़ा इंजॉय करते थे हम लोग वहाँ पे, अच्छा लगा था। पूरी शूटिंग के दौरान सब जितने कलाकार गण थे, तमाम यूनिट, इवन बेलू और भी वहाँ जो एक निर्देशक, सब फ्रेंड सर्कल में थे। बड़ा शूटिंग को बड़ा इंजॉय किया हम लोगों ने। लोकेशन भी वैसा था, एक तालाब के किनारे सब लोग रहते थे, फार्म हाउस था, वो ठंडी ठंडी हवा आती थी, रमणीक माहौल था वो। पिक्चर का नाम है लव मैरिज, लव में कितना विश्वास करते हो उदेश मिश्रा? मैं क्या बताऊँ, मैं तो खुद ही लव मैरिज किया हूँ। मेरा भी लव ही है, मैंने लव ही लव किया है। मैरिज तो एक प्रोसेस होता है। महीना भी लव का चल रहा है? हाँ, ये वैलेंटाइन है, ये हफ्ता चल रहा है, आज आज प्रपोज डे है। तो आपने किसी को प्रपोज किया है? हमें से रिलेटेड जो एक्टर है? नहीं, हम अपने तमाम प्यार करने वालों को प्रपोज करते हैं कि आई लव यू। और कुछ और भी आपके साथ कई कलाकार फिल्म में किए हैं, उसमें से एक वो छोटा कलाकार है जिसका नाम आप देखते हैं? छोटा वो कद में है लेकिन ऊंचाई सबसे बड़ी है उनकी, उनको जो भगवान ने दिया है वो कद छोटा है लेकिन जो उन्होंने बनाया है वो कद बहुत बड़ा है, और इतना बड़ा है कि हम लोग वहाँ तक पहुँच पाए ये भी एक सपना है। तो उनको छोटा आप कह के उनकी ऊंचाई का अपमान न करें, बहुत ऊंचे कलाकार हैं वो, उन्होंने बहुत बड़ा अपना मुकाम बनाया है, उस मुकाम का सम्मान करता हूँ और हम सब कलाकारों को उनका सम्मान करना चाहिए, बहुत पाया है उन्होंने, उतना पाले जीवन सार्थक हो जाए। फिल्म महाराष्ट्र और गुजरात में रिलीज हुई है कली फ्राइडे को, और पिक्चर आप देख चुके होंगे पहले भी, आप कितना संतुष्ट हैं फिल्म से? संतुष्ट मैं नहीं होता हूँ, खुश हूँ, अच्छी फिल्म है, संतुष्ट मैं कभी नहीं हो पाता हूँ, अच्छी फिल्म है, सबने अपनी अपनी मेहनत सार्थक करने की कोशिश की है, सब लोगों ने काम किया है, अच्छा काम किया है। और फिल्म के बारे में जो हम कहें उससे बेहतर है जो हमारे दर्शक हैं और वो कहते भी हैं, उनकी ज़ुबान बड़ी सच्ची और कड़वी ज़ुबान होती है, तो हम उनकी ज़ुबान को झुठलाना नहीं चाहते हैं, वो जो अच्छा माने वही अच्छा है। अगर एक लाइन में कहा जाए तो लव मैरिज को क्या कहना चाहेंगे? हाँ, अगर एक लाइन अगर बताया जाए तो लव मैरिज किस तरह की कहानी है? लव मैरिज करना अनुचित नहीं है, लेकिन लव के चक्कर में अपने पेरेंट्स का अपमान करना बड़ा अनुचित है, क्योंकि हमारे जो पिता, हमारी माता, या हम पे जो भरोसा किए हैं उनका भरोसा पहले हमें निभाना है, लव किए हैं तो उसको भी निभाना है, लेकिन माता पिता का अपमान करके नहीं, उनका भरोसा जीत के, ये इस फिल्म का मेरे हिसाब से एक सार है। माता पिता का भरोसा जीत लेंगे तो लव भी एक सार्थक परिणाम दे देगा, अन्यथा लव हमेशा निरर्थक परिणाम ही देगा। फिल्म जो है ना आज बिहार बिहार में लगने वाली है, इसके बाद अगले फ्राइडे को गुजरात में भी लग चुकी है और बॉम्बे में भी लग चुकी है, यहाँ की खासकर जो उदेश मिश्रा के दर्शक को कुछ कहना चाहिए फिल्म सिनेमा हॉल में देखें? बहुत फोटो सिनेमा हॉल में आना तो चाहिए सबको, वो मैं ज़बरदस्ती तो पकड़ के ला सकता नहीं हूँ। दर्शक को एक कहीं ना कहीं से उदासी मन में आ गई है कि अब सिनेमा हॉल में नहीं जाना चाहिए, रीजन से कि सिनेमा हॉल की जो दिशा दशा वो भी बड़ी गंदी होती चली जा रही है, लेकिन एक बदलाव भी आ रहा है कि उस गंदे सिनेमा हॉल अब टूट करके मल्टीप्लेक्सेस बनते चले जा रहे हैं, छोटा ही स्क्रीन लेकिन वो मल्टीप्लेक्स बन रहा है, तो उस तरफ जो रुझान है वो उसका एक परिणाम अच्छा होगा, तो लोग आएंगे, दर्शक तो आएंगे सिनेमा हॉल में। लव या लैला? लव या लैला, इनका सवाल। लव लैला, प्रेमी क्या कर रहे हैं दोनों? आज पिक्चर रिलीज हुआ है मुंबई में,
आप क्या कहना चाहेंगे दर्शकों? मैं बेहद खुश हूँ कि आज हमारी फिल्म लव मैरिज रिलीज़ हुई है और बहुत ही बेहतरीन फिल्म है और बहुत मैं जैसा कि दर्शकों का कहना है कि मैं बहुत खूबसूरत लग रही हूँ इस फिल्म में, सो आई एम सुपर हैप्पी कि हमारी फिल्म रिलीज़ हुई है और अभी अंदर जाने के बाद पता चलेगा कि कैसा रिस्पॉन्स है और अमरीश जी बताएंगे, बिकॉज अभी जस्ट मैं बॉम्बे पहुंची हूं और मैं सिर्फ निवेदन करना चाहती हूं अपने दर्शकों से कि जितने भी बॉम्बे में लोग हैं सब फिल्म जाएं और देखें और अपना आशीर्वाद और अपना प्यार दें। अपने किरदार के बारे में कुछ बताएं। मेरा किरदार जो है वो है, डायरेक्टर बताएंगे। किरदार बहुत ही अच्छा कैरेक्टर कहूँगा और ऐसा कहेंगे जैसे एक लड़की है जिसकी चाहत ये है कि वो लव मैरिज करे, उसको अरेंज मैरिज में बिलीव नहीं है, विश्वास नहीं है, तो वो चाहती है कि उसकी शादी जो है लव मैरिज से हो। बाकी एक इनोसेंट लड़की जिसकी बहुत सारे सपने हैं, वो अपने सपने को पूरा करना चाहती है, तो वो कैरेक्टर इन्होंने बहुत अच्छे से प्ले किया है, बहुत अच्छा। आप फिल्म देखेंगे तो रियली मुझे भी बहुत सारे फ़ोन आए जिन्होंने फिल्म देखी, उन्होंने अक्षरा जी के काम की स्पेशली तारीफ की। थैंक यू। समाज में क्या सही है, इसका संदेश जाएगा? मेरे ख्याल से अच्छा संदेश जाएगा, वो इसलिए संदेश जाएगा कि लव मैरिज और अरेंज मैरिज ऐसा कुछ वो नहीं है, ये मिथ्या लोगों ने बनाया हुआ है कि ऐसे करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। काफ़ी सारे अरेंज मैरिज आप देखोगे, ज़्यादातर उन लोगों की कहानियाँ है कि शादी करने के बाद ही टूट जाता है, पति इधर उधर मुँह मार रहा है। ऐसा फैक्ट है, ऐसा होता है। आज मैं बहुत जगह गया था थिएटर में जहाँ गया, और भी कल भी मैं कई सारे थिएटर्स में गया था, तो लोगों को ये टाइटल बहुत अट्रैक्ट किया। बहुत सारे हमारे जो रिक्शा पुलर हैं जो और भी, वो लोग बोले भैया मुझे टाइटल इतना अच्छा लगा, मेरे लोग देखने आ गए कि ये लव मैरिज और अरेंज मैरिज है क्या। लेकिन फिल्म के अंदर वाकई कंटेंट है, लव मैरिज और अरेंज मैरिज से रिलेटेड कंटेंट है, जिसको ऑडियंस ने बहुत मतलब पसंद किया। और सबसे बड़ी बात ये है कि ऑडियंस जो भी देख के आ रहे वो ये बोले भैया इतनी साफ सुथरी, इतनी नीट एंड क्लीन फिल्म है कि मुझे लगता है कि हम पूरे परिवार के साथ देखनी चाहिए, तो ये अच्छी बात है। हाँ। ये हमारे लिए खुशी की बात है कि मैं बिल्कुल नहीं डर रहा था, मैं इनसे सीख रहा था बहुत कुछ। हाँ नहीं नहीं नहीं, बहुत 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 प्यारी है और मैं इनसे बहुत कुछ सीखा। और नहीं, वो गलत बात है, जो भी ऐसे अफवाह फैला रहे हो खुद अपने आप में डरे हुए इंसान है। अगर जिसको डर लग रहा होगा, ये बहुत प्यारी और बहुत खूबसूरत अदाकारा अक्षरा सिंह जी हैं, इनके पास आके, इनके नज़दीक आके इनके नेचर और इनके स्वभाव के बारे में जो जानेगा वो इनसे बे इंतहा प्यार करेगा। अगर जो इनसे कह रहा होगा कि मैं डर रहा हूँ, वो अपने आप से डर रहा है, क्योंकि ओरिजिनल राजपूत हैं और राजपूतों से डरना भी चाहिए लोगों को। लेकिन ये बिल्कुल अपने काम के प्रति बहुत ईमानदार हैं, जैसे कि मैं काम कर रहा था जब, तो मुझे पता है अपने टाइम से, अपने शेड्यूल से, अपने हर चीज़ को लेके बहुत वर्कआउट करते थे। कभी कभी बहुत घनिष्ठ हमारे डायरेक्टर के साथ लड़ाइयाँ भी होती थी सीन को लेके, और वो भी होता था, लेकिन हम सिर्फ उसी काम के लिए लड़ाई और झगड़े करते थे। इसके अलावा हम बहुत मस्ती के साथ, इंजॉय के साथ, क्योंकि 22 एक्टर थे उसमें, मैं गिनाने लगूंगा तो मुझे याद है अवधेश मिश्रा, विनोद मिश्रा, अयाज खान, मटरू जी, लोटा जी, स्वीटी जी, सोनिया जी, श्रद्धा नवल, अनीता रावत जी, अमरीश सिंह, अक्षरा सिंह, तो बहुत सारे उसमें किरदार थे, के गोस्वामी जी, जो कि सब एक फैमिली और एक कहा जाए एक होम ग्राउंड के अंदर, एक बढ़िया माहौल के अंदर एक फिल्म हमने विष्णु शंकर बेलू के निर्देशक में हमने शूट की। एक तो ये है कि फिल्म में बहुत सारे कैरेक्टर थे, बहुत सारे जो नॉन एक्टर हैं, और नॉन एक्टर हैं, और सबसे मेन बात क्या है कि हम लोग एक नए लोकेशन पर शूट कर रहे थे, तो इस फिल्म के अंदर जो लोकेशन है वो बिल्कुल फ्रेश है और बहुत अच्छा लगा। और सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों ने शूटिंग को बहुत इन्जॉय किया था और किसी के ऊपर कोई स्ट्रेस नहीं था, जो कि फिल्म में दिखता है एकदम कूल, और मुझे मैं इतना हैप्पी हूँ। हाँ, थोड़ा बहुत स्ट्रेस में अमरीश जी इसलिए थे क्योंकि सारा अरेंजमेंट में लगे हुए थे, बाकी तो सब एक्टर ने बहुत अच्छा काम किया। अच्छा, सारे आर्टिस्ट की तारीफ करते हैं। पिक्चर में देखा कि लव मैरिज करने के चक्कर में लोग माता पिता को भूल जाते हैं, इसलिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी कि प्यार वही सफल है, प्यार करिए, प्यार करना बुरी बात नहीं है,
बट अपने माता पिता को भी लेकर चलना चाहिए। अगर प्यार किया है तो उस रिश्ते को भी निभाना दायित्व बनता है इंसान का, और साथ ही जिसकी कोख से जन्म लिया है उसको भी निभाना दायित्व बनता है। तो दोनों ही पैरेलल लेवल पे लेके चलना चाहिए मेरे ख्याल से, और हमने भी इस फिल्म में वही किया है। बिल्कुल, इस फिल्म में आप जब देखेंगे तो ये है कि हमने कोई बगावत नहीं किया, एक बार गलत स्टेप उठाया लेकिन जब इनको एहसास हुआ तो ये पेरेंट्स के पास आते हैं और पेरेंट्स की बातों पे ही अमल रहते हैं अंत तक, क्लाइमेक्स तक आप देखेंगे कि पेरेंट्स के बात के साथ ही हैं हमारे हीरो। बिल्कुल, जैसे कि भैया एक बहुत अच्छा सीख है फिल्म लव मैरिज, लव और मैरिज। मुझे ऐसा लगता है कि प्यार एक ऐसी चीज होती है कि अपने मंजिल तक जाने के लिए प्यार का सहारा लेना पड़ता है हर इंसान को, लेकिन प्यार जो होता है बहुत ही मजबूत होता है। और जैसे कि इसमें सर ने बताया, विष्णु शंकर बेलू और राइटर ने बड़े शिद्दत से लिखा है और उसको बड़े मेहनत से अक्षरा जी और मैं और पूरे ऑल टीम ने बड़े अच्छे से इसको किया है कि जैसे कि आज की जनरेशन चाहती है कि मैं अपने हिसाब से लाइफ को जीऊँ, हाँ, लेकिन जब गार्जियन और बुजुर्ग और जो कहा जाए कुल हमारे जो होते हैं सीनियर, उनका अगर कहना नहीं मानते हैं तो हम किस तरह से स्ट्रगल करते हैं, फिर उसी काम को करते हैं, हम अपने स्टाइल में करते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उन बुजुर्गों का, माता पिता का भी कहना कहीं ना कहीं सही होता है, उनका मानना चाहिए, तो मान के अगर हम उस मंजिल तक पहुंचे वो भी बहुत सही होता है। हाँ, सही होता है, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे घरों में मैंने देखा है कि जहाँ माता पिता भी ये सोचते हैं कि हम अरेंज मैरिज करेंगे तो मेरी बेटी सुखी रहेगी या मेरा बेटा सुखी रहेगा, वो एक महीने दो महीने जाने के बाद, हाँ, वैसे घरों को भी मैंने देखा है कि लड़कियां डिस्टर्ब है, बोल रही है कि जला दिया गया है, फिर माँ बाप खुद से बोल रहे हैं कि हमने बहुत बड़ी भूल कर दी, हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। तो सोच समझ के कोई भी डिसीजन लेना चाहिए, चाहे वो अरेंज मैरिज हो या लव मैरिज हो। अभी प्यार का हफ्ता चल रहा है, अक्षरा जी ने अमरीश भाई को क्या गिफ्ट दिया? प्यार का हफ्ता? प्यार का कोई हफ्ता नहीं होता। नहीं, मैं बता दूं, आपने सही सवाल किया है, इन्होंने 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 गिफ्ट दिया है खुद यहाँ पे आके, क्योंकि बहुत बिजी थी और मैं इनसे बिल्कुल टच में कई बार मोबाइल फोन से नहीं, कई बार मोबाइल फोन इनसे दूर हुआ करता था, क्योंकि दूसरी एक बहुत खूबसूरत फिल्म लैला मजनू जो कि बिहार झारखंड में लगी है, मैं उसको भी ढेर सारी बधाई देता हूँ, क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ 2020 यानी अक्षरा सिंह का, अमरीश सिंह का अब स्टार्ट हुआ है। और मैं अभी शनिवार था, मैं शनिदेव से यही मनाया कि जितनी ग्रह दशाएं सबकी कटे और आगे ऐसे ही लोग बढ़े, हर हर महादेव। और हर महीना अक्षरा सिंह जी की फिल्में आती रहे, अमरीश सिंह की फिल्में आते और जो आने वाले नए कलाकार हैं उनकी फिल्में आते रहें और अपना खंभा गाड़ते रहें और प्यार से। जी, फिल्म काफी टाइम से रिलीज होके तैयार थी पर इसका थोड़ा पोस्ट का काम चल रहा था। नहीं, अच्छा, ओके, ये कारण क्या था? कारण ये था हमारे, मैं बिल्कुल कारण बताऊंगा जो कारण हुआ हुआ है, वो कारण पूरी दुनिया जानती है। मैं बिल्कुल, क्योंकि ये अक्षरा सिंह की फिल्म थी, एक बहुत चर्चित अक्षरा सिंह जी की फिल्म लव मैरिज, जो कि पिछले 3 महीने से पोस्ट यूएफओ, अभी हमारे प्रोड्यूसर ने फाइन भरा है दोबारा डाउनलोड का, डाउनलोड करा के कुछ हमारे इर्द गिर्द के, जो कहा जाए कि मैं तो कुछ कहूँगा नहीं लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि जो अभी चला हुआ नया बीमारी का चल लो आजकल, हाँ, कोरोना, जो कि इस तरह के लोग हैं यहाँ पे भी जो कि बिना काम के कोरोना बनते हैं अपने आप में और उनको खुद नहीं पता, खुद ही अपने आप में बीमार इंसान है और अपनी बीमारी को झेल नहीं पाते हैं, दूसरों को दवा बताते हैं। तो मैं ये बता दूं कि क्या होता है, बड़े शिद्दत और मेहनत से एक कलाकार अपने मुकाम तक पहुंचता है, एक प्रोड्यूसर अपने अंजाम तक पहुंचता है, लोग उसको इस तरह से समय बिताते हैं, टाइम पास करते हैं कि वो खुद ये नहीं समझते हैं कि एक कहावत है, विधना के लेखा के उस समझ न पाई, हाय रे नसीबा के कब मिलाई। तो ये विधाता को सब पता होता है लेकिन वो अपने आप में विधाता बन जाते हैं। तो मैं बिल्कुल कहूँगा कि ये ध्येय, ये दिल दिमाग में जो रखे हुए हैं उसको बहुत दूर रखें, क्योंकि देखो जब समय और वक्त आता है तो कोई किसी को रोक नहीं पाता है। फिल्म रोक के रखे हुए थे शायद लोग, बिल्कुल फिल्म रिलीज ना हो तो
तो रोका तो मुझे कई चीज़ों से गया है, लेकिन रुकने वाली तो हूँ नहीं मैं। बिल्कुल, क्या बात है, वो मेरा प्रमाण है और देखते हैं कितना रुकाता है कुछ भी। जिसने भी आपको रोका है उनका ऐसा कहना है कि मैं लड़कियों की लाइन लगा दूंगा। लड़कियों की लाइन कहाँ लगा देंगे? अक्षरा सिंह अगर चली जाती है तो मैं लड़कियों की लाइन लगा दूंगा, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? भगवान करे लड़कियों की लाइन लगाए यार। अरे देखो, लड़कियों की लाइन लगा सकते हैं, लेकिन एक अच्छी अक्षरा नहीं आएंगी। अक्षरा वापस नहीं आएंगी, लड़कियों की लाइन और कतार और पूरी भीड़ और पूरा लगनी चाहिए, ब्रह्मांड आ जाएगा, लेकिन अक्षरा सिंह दोबारा नहीं आएंगी। अक्षरा जी, अभी कल से हमारा गाना जो वायरल चल रहा है, उसके सारे जी के हाथ पीछे करो क्या, के सारे हाथ दिख रहे हैं फिल्म में? अब ये पता नहीं कि एकदम मुंह में खेल दोगे क्या? चेहरा आ जाए। क्या गाना, क्या वायरल? हाँ वायरल, वायरल के सारे के साथ तो बहुत सारे कमेंट वीडियो वायरल हो रहे कल से। स्टेज शो, ओह वेरी गुड, तो होना चाहिए स्टेज शो ना? हाँ, हमने मार्स महोत्सव में साथ में परफॉर्म किया था और मतलब बहुत भारी तादाद में भीड़ थी वहाँ पे, दर्शक बहुत पसंद कर रहे थे और अचानक से मेरे लिए सरप्राइज था कि मैं साथ में परफॉर्म कर रही हूँ। कुछ बोलना नहीं चाहती, नो रिएक्शन, नो कमेंट्स। नहीं, मैं बिल्कुल कहूँगा कि वही जो कहावत है, विधना के लेखा के उस समझ न पाई कब के कब कहाँ मिलाई, तो वो कुल विधाता के मालूम बा हमरा के नहीं खे, तो जब समय आएगा, जैसे इन्होंने कहा सरप्राइज, तो हो सकता है कोई कहीं भी मिल सकता, कलाकार है, परिवार है, तो उसके लिए नो कमेंट्स जी। थैंक यू, थैंक यू। लव मैरिज फिल्म बहुत अच्छी फिल्म है, जैसा आप देख ही रहे हैं, लेकिन मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि आप लोग लव मैरिज मत करना। लव मैरिज यहाँ पर पर्दे पर सक्सेसफुल हो गई, लेकिन रियल लाइफ में बहुत बार सक्सेसफुल नहीं होती है, तो अरेंज मैरिज करें और उसको लव में तब्दील करें, संयुक्त परिवार और ज्वाइंट फैमिली में रहें, और लव मैरिज अगर करना ही हो तो परिवार के साथ मिलकर लव मैरिज कीजिए। फिल्म के किरदार के बारे में, मेरा फिल्म में जो रोल है वो कॉमेडी में कर रहा हूँ, और मैं और मटरू जी ने मिलकर इसमें कॉमेडी किया, हीरो का दोस्त है, और ये फिल्म में जो कमी रह गई है, मेरे अपोजिट हीरोइन नहीं है, वही कमी रह गई है। अक्षरा जी है ना इस पिक्चर में? अक्षरा जी तो लाजवाब बेहतरीन एक्ट्रेस हैं, और अक्षरा जी का मैं बचपन से फैन हूँ, मैं उन्हें बहुत उनकी फिल्में देखता हूँ, और कमाल के एक्ट्रेस हैं अक्षरा जी, अमरीश सिंह जी दोनों ही, इसमें अवधेश मिश्रा जी हैं। अभी प्यार का हफ्ता चल रहा है, ये भैया क्या सलाह देंगे प्रेमियों को? नहीं, प्यार का जो हफ्ता होता है वो भादों का कृष्णाष्टमी जो होता है ना, जन्माष्टमी वो होता है, ये तो अंग्रेजों के लिए प्यार का हफ्ता है, वो वैलेंटाइन डे हम नहीं मानते हैं, हमारा तो प्यार का हफ्ता होता है जब श्री कृष्ण भगवान जन्म धरती पर आते हैं और प्यार का संदेश फैलाते हैं। तो दर्शकों को केके भैया की तरफ से कोई बधाई नहीं है वैलेंटाइन? दर्शकों को केके गोस्वामी के तरफ से जय श्री कृष्णा, राधे कृष्णा, हैप्पी दिवाली, हैप्पी छठ, हैप्पी ईद, हैप्पी होली। थैंक यू। बता दूँ कि जो है लव मैरिज जो है 7 फरवरी को जो है मुंबई और गुजरात में रिलीज हुई है, और आज जो है हम लोग नौरंग थिएटर पे आए हैं मुंबई में, और बहुत ही अच्छी फिल्म है, खूबसूरत फिल्म है और पारिवारिक फिल्म है, आप लोग परिवार के साथ इसको पूरा जो है फिल्म देख सकते हैं, गाने भी अच्छे हैं, सीन, डायलॉग, स्टोरी सब प्यारी है, और जहाँ तक मेरे किरदार की बात है, बहुत ही अच्छा किरदार है, मैं तो कोशिश करता हूँ हमेशा कुछ ना कुछ नया करने का, फिल्म में जान डालने का। आप लोगों को बता दूँ कि जो है मैं 24 घंटा सोचता रहता हूँ, आप लोगों को लगता होगा कि एक्टर की ज़िंदगी बड़ी आराम की और बहुत मस्त मौला, नहीं, बहुत टफ लाइफ होती है हम लोगों की, हम लोग एक एक चीज़ को, एक एक लाइंस को, एक एक डायलॉग को खुद करते हैं, और हमारे डायरेक्टर्स जैसे चाहते हैं उनके हिसाब से भी करना पड़ता है, बहुत हम लोग जी जान लगाते हैं,
तो हम लोग की लाइफ बहुत टफ होती है, और हमने इसमें भाई कुछ एक नया अलग करने की कोशिश की है। दो शेड है इसमें, दो रूप है मेरा, तो ये पूरा यहाँ नहीं बताऊंगा, लेकिन ये बता दूंगा कि दो रूप है, आप लोग देखेंगे तो बहुत मजा आएगा इस फिल्म को। अयाज जी, अभी प्यार का मौसम चल रहा है, प्यार का महीना, प्यार का हफ्ता चल रहा है, अयाज खान के लिए इस बार क्या है वैलेंटाइन? मेरे लिए तो हर दिन बराबर है यार, वही बोला हूँ मैं, मेरे लिए हर दिन बराबर है, डेली वैलेंटाइन डे है। आप अगर आपका मन खुश है, आप स्वस्थ हो, खुश हो, सबसे बड़ी चीज़ होती है जिंदगी मालूम है क्या? खुशी। खुशी एक ऐसी चीज़, खुशी, सुकून, ये ऐसी चीज़ है कि दुनिया की कितनी भी कीमत से इसको खरीदी भी नहीं जाती, इसका मतलब मोल ही नहीं है, और ना ही आप इसको पैसे से नहीं खरीद सकते। तो अगर मन में सुकून हो और मन खुश हो, मन खुश है, सबसे बड़ी चीज़ है कि जो है मन खुश होना चाहिए और दिल में सुकून होना चाहिए। अगर ये दो चीज़ आपके पास है तो हर दिन अच्छा है, हर दिन वैलेंटाइन डे है, हर दिन फेस्टिवल है। उस डे के दिन आपकी पिक्चर लॉन्च हुई है, अयाज खान ने किसको रोल दिया? मैंने अभी अभी अपने सभी दर्शकों को लव मैरिज का जो है मैंने रोल दिया है, और आज जो है सुनाऊँ प्रपोज डे है, तो आज सभी को प्रपोज कर रहा हूँ, लव यू ऑल माई डियर्स, आप लोग हमेशा ऐसी प्यार करते रहिए और मैं ऐसे आप लोगों को प्यार देता रहूँगा। होली तो अभी बहुत दूर है, होली पे यही कहूँगा कि आप लोग रंग खेलिए, लेकिन ऐसे रंग से खेलिए जो हमारे त्वचा को, जो हमारे स्किन को ख़राब ना करे। बहुत सारे लोग मालूम बार्निश, बहुत सारे लोग देखा हूँ कि नालियों के गंदे पानी, कीचड़ से भी जो है रंग देते हैं, तो प्लीज़ ऐसा ना करें, आप लोग कलर भी कम यूज़ करें। ये सब सारी चीज़ें हमारी जो है स्किन के लिए, अगर आँख में पड़ गया, इस कान में पड़ गया, तो बहुत सारी बीमारियाँ हो जाती है, बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाते हैं। बड़े सद्भाव से, प्यार से कीजिए, किसी को कलर लगाइए तो उसको बोल के लगाइए कि वो पहले एक्टिव हो जाए। कितने लोग आते हैं पीछे से लगा देते हैं तो कान मुँह आँख नाक में चला जाता है, तो इट्स नॉट गुड। मैं ये कहूँगा कि आप लोग जो है कोई भी त्यौहार मनाएं, अभी होली भी आ रही है, बड़े प्यार से मनाएं, मिलजुल के मनाएं, क्योंकि मिल के रहेंगे तो जो मज़ा है वो किसी चीज़ में मज़ा नहीं है। तो प्लीज़ आप लोग सभी मिलकर रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, लव यू ऑल। ओके, बात किया जाए अभी तो इंडिया में ऐसे लक्षण पाए जा रहे, इसके बारे में आपके क्या कहना? कोरोना के बारे में ही कहूँगा कि जो है ये जो है इसके लिए जो है सरकार काम कर रही है, जो लोग जो है चीन से आए हुए हैं, बहुत सारे लोग अभी एयर इंडिया से भी फ्लाइट से भी हमारे यहाँ आए, हमारे यहाँ सुखी कुछ पेशेंट केरला औरला में शायद दो चार पेशेंट आए हुए हैं, मतलब इंडिया में भी पेशेंट आ गए। तो यही कहूँगा कि जो है हमारी जो देश की सरकार है उसको बड़ी इसको बड़े केयरफुली ले इसको, क्योंकि अगर नहीं लेंगे तो चीन में बहुत महामारी फैली हुई है, बहुत लाखों की तादाद में लोग जो है मर रहे हैं और ग्रसित हैं। तो मैं यही चाहूँगा कि जो है हमारी देश की सरकार जो है इस पर ध्यान दे और कि इस चीज़ को हमारे देश में ना फैले। आज दिल्ली में चुनाव खत्म हो गया, क्या लगता है मनोज तिवारी जी इस बार दिल्ली के सीएम बनेंगे? इस पर तो मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, और मनोज जी चूँकि मेरे आदरणीय हैं, हमारी इंडस्ट्री के जो है स्तंभ रहे हैं, उन्होंने जो है हमारी इंडस्ट्री को जो है रीबॉर्न किया, पुनर्जीवित किया, और उनका हमेशा हम लोग रेडी रहेंगे, और मेरी कामना रही कि वो जीते, बाकी जो है अभी रिजल्ट दो तीन दिनों में आ जाएगा, और कि दिल्ली की जनता ने किसको चुना है, और मुझे ऐसा लगता है कि जो है जो काम करेगा वही जीतेगा। थैंक यू सर। ओके।